भाई ग्रिल सिनेमा। तो जी आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। तो उसके लिए मैंने बीफ ले लिया है, और बीफ ले लिया है 1.5 kg, और दाल ले ली है 1/2 kg से थोड़ी सी ज़्यादा। तो अगर 1 kg होता तो उसमें 1/2 kg जो है ना वो चने की दाल डलती है। तो हमने 1.5 किलो लिया है बीफ, तो दाल होगी हमारे पास 3 पाव। ये हमने प्याज ले लिए हमें 6, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा प्याज है, नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं 6, छो ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसको इसमें डालेंगे। तो जी ये आ गया हमारा प्याज, आ गया हमारा अदरक लहसुन। तो ये जी लहसुन डाल दिया हुआ है, 2 पोथियाँ लहसुन की डाल दी हैं। अगर आप अदरक डालना चाहें तो थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। नमक आ गया, पानी आ गया, कुटी हुई मिर्चें। अब इसको हम चढ़ा देंगे और इसको पकने देंगे, गलने तक हम इसको पकाएंगे। तो हमारे शामी कबाब का जो मसाला है वो बन के रेडी हो गया, और हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। आप इसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो वो जो होता है ना हाथ से पीसें, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो बाकी रहे। ब्लेंडर से पीसने से इसका जो है ना फ्लेवर, वो जो मखसूस एक मज़ेदार किस्म का फ्लेवर होता है वो नहीं आता। तो आप ये ना ऊनी डंडे से ही इसको पीसें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, मज़ेदार किस्म के शामी कबाब बनते हैं। तो अभी हम इसको प्रिपेयर करते हुए और बच्चों को सिखाते हुए भी, ताकि वो भी इन सब चीज़ों को सीखें। तो ये उनको बताया भी जा रहा है और उनसे करवाया भी जा रहा है, और ये हमारे शामी कबाब बनते हुए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये इजी रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनों मेरे अपनों का ख्याल रखें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। तो जी हमने बीच में अंडा नहीं डाला था, हमने अंडे में डिप करके इनको ऑयल में फ्राई कर लिया है, सिंपल एंड ईजी वे।